मेंगिया पर्व लगते ही इंद्रदेव ने कहर बरसाना शुरू किए हैं, जिसके चलते आज सुबह से ही झमाझम बारिश एवं चमक धमक से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल था। फिर भी इंद्रदेव के ब्रजबाण शक्ति खाली नहीं गया और एक हंसते खेलते घर के आसियाना ही उजाड़ कर ले गए। ये पूरा मामला पिंडरी तालाब सरईपारा आंगनबाड़ी के है, जहां आज लगभग 1 बजे दोपहर को बारिश के साथ आकाशीय बिजली के चपेट में आने से आंगनबाड़ी सहायिका की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आंगनबाड़ी सहायिका छैलाबाई, जो आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर ग्राम पिंडरी तालाब एन में कार्यरत थी, जो बच्चों को खाना खिलाने के बाद बर्तन मांजने पानी लाने गई थी। वहीं महीनों से खराब पड़ी है नल, जिसकी सूचना सरपंच को दी गई थी, लेकिन आज तक सुधरवाया नहीं गया। जहां आसपास आंगनबाड़ी के छोटे बच्चों को पानी पीने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। पानी लाने जा रही थी तो आकाशीय बिजली के चपेट में आने से मौके पर ही हुई मौत, जिसकी शिकायत परिजनों ने लोरमी थाने में सूचना दिया गया, जहां लोरमी पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर मौके पर पहुंचकर जांच पंचनामा उपरांत लाश को पोस्टमार्टम पश्चात परिजनों के हवाले कर दिया। आज लगभग 1 बजे टेकन द्वारा स्कूल में जो आकाशीय बिजली गिरने से छल्ला भाई को सूचना थाना में दिया गया था, जिस सूचना के आधार पर मर्ग कायम करके प्रारंभिक सब पंचनामा कार्रवाई की है और सब को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये तो पीएम के बाद पता चलेगा, लेकिन ये आकाशीय बिजली से ही गिरने से उसकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। लोरमी से लक्ष्मी दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।